पहला दिन है तेरा, क्या बुलाया घर को। राम राम जी। तो कैसे आप सब, आपका स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अभी सुबह के 6:30 बज गए हैं, 6:30 हो रहे हैं और हम लोगों ने ब्लॉग स्टार्ट करा है। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। संदेश के स्कूल पहुंच चुके हैं, बस 3 ही बच्चे आए, एक मेरा भाई और 2 वो बच्चे खड़े हैं उधर। और आप देख लो इधर सुबह का माहौल है, बाजार खुला हुआ है। अब इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, अच्छे से रहना साथ में, अच्छे से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब सर ने बोला था हाँ, अभी थोड़े स्कूल अभी ज्यादा नहीं लग रहा है, इसलिए आप कम सामान लेकर आना। अच्छा, एक रजिस्टर और एक पेन लेकर। चलो बढ़िया, अच्छे से पढ़ना है ना। पहला दिन है तेरा, क्या बुलाया घर पे पता। हाँ तो अपा पड़ेगा गाय में। हाँ तो ऐसे थोड़ी ना, मांग लिया मांग लेगा, लेकिन अपना ध्यान रखो, देखो पहला दिन है, भूलना नहीं चाहिए, कल से ले आएगा। अभी तो भैया बाहर ही खड़े हैं, बोल रहे हैं सबके 8 बजे के बाद ही खुलेगा ये सर की स्कूटी रखी है, शायद यहीं पे रखे रहते हैं सर। सब कुछ बहुत ही अच्छा था, लेकिन यार एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई रास्ते में, जब मैं आ रहा था ना उधर से उसे छोड़ के, उसे तो हालांकि अच्छे से छोड़ाया हूँ, उसे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से स्कूल में बैठा है पढ़ रहा है। गाइस जब मैं रास्ते में आ रहा था ना, तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई, हालांकि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं उसे अच्छे से स्कूल छोड़ाया, उसे कई दोस्त मिले, उसका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वहाँ पे बैठा है वो पढ़ रहा है। दोपहर उसमें उसकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि उसका स्कूल 8 बजे से 12 बजे तक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, और वो इस बार क्लास 9th में, जब मैं उधर से आ रहा था, प्रॉब्लम ये है कि एक लेडीज मिली जिनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। मैं नहीं जानता, पता नहीं वो कौन है कौन नहीं, लेकिन मैंने एक भारत का नागरिक होने के, मैंने अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी से पालन करते हुए उन्हें एक हॉस्पिटल में छोड़ के आया हूँ, जहाँ मेरे मतलब थोड़े कॉन्टैक्ट थे उस हॉस्पिटल से। मैं उनको बोल के आया हूँ भैया को, भैया इनका थोड़ा अर्जेंट और अच्छे से करवा देना, थोड़ा पैसे वगैरह का ध्यान रखना। मैंने उनका करवा दिया, मैंने इस चीज़ का ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मैं ब्लॉग शूट करता तो शायद उनकी मदद नहीं कर पाता, ये बात बस मैं और वो ईश्वर जानता है अच्छे से। सो थैंक यू, और दुआ करना कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए भाई। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन वो मतलब इंसानियत के नाते मेरा फ़र्ज था कि मैं उनकी मदद करूँ।